उज्जैन पुलिस की बहुत ही अच्छी कार्रवाई चल रही है। आपकी सूची में 40 गुंडों के नाम आए हैं, किस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी एक विशेष अभियान पूरे प्रदेश भर में चल रहा है, जिसमें सभी तरह के जो माफिया हैं उसमें माफिया, राशन माफिया से लेके भू माफिया से लेके और नशे के का कारोबार करने वाले माफिया, इसी तरह के सभी जो आप माफिया, इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। आज भी इस संदर्भ में कलेक्टर उज्जैन के अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें पूरी कार्रवाइयों की पहले कार्य जो हुई हैं उनकी समीक्षा की गई और आगे की कार्ययोजना की तैयार की गई है। उसी क्रम में हमारे यहाँ हमारे पास जो एक असामाजिक तत्वों की सूची है, आपराधिक तत्वों की सूची है, उसमें हम लोग भी कार्रवाई कर रहे हैं और एक सूची हमने तैयार की है जिसमें ऐसे असामाजिक तत्व जिनने समय के साथ अपने आपराधिक कृत्यों से जो शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है या अवैध कार्य किए हैं उनके संदर्भ में हमारी भी एक कार्ययोजना है जो हम जिला प्रशासन के साथ मिलकर उसमें आगे कार्रवाई करेंगे। अपराधों को अंकुश लगाने के लिए किस प्रकार का निर्देश दिए गए? अपराधों के दिन अंकुश के लिए जिस सभी तरह के असम जो सामाजिक अपराध हैं, चाहे जुआ हो, सट्टा हो, शराब हो, नशे के कारोबारी हो या सामान्य जैसे अपराधी हैं जो मारपीट या अड़ीबाजी का काम करते हैं, सभी के विरुद्ध लगातार कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। पिछले 2 महीनों में लगभग हमने 47 NSA और इसी तरह से जिला बदर की कार्रवाइयाँ की गई हैं। हमारे पास अपराधी इस तरह के चिन्हित हो गए हैं और उन पर लगातार हम कार्रवाई कर रहे हैं।